आज इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए एक ऐसे अनाज के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जिसका सेवन करने से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर होता है, हमारे सेहत और सौंदर्य से जुड़ा हुआ है। एक मुट्ठी चने का सेवन जरूर करें। आज इस वीडियो में बताऊंगी कि किन किन बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं, किस किस तरीके से आप चने का सेवन कर सकते हैं। यह है चना, हॉर्स पावर भी कहा जाता है। जो ये जो चना है दोस्तों, मतलब इतना ये ताकतवर होता है ये चना। इसे पानी में भिगाकर रखिए रात भर। दूसरे दिन आप इस चने को उबालकर इसकी सब्जी बना सकते हैं, आप इसे नाश्ते के रूप में खा सकते हैं। अगला तरीका है, पानी में भिगे हुए चने को आप अंकुरित कर सकते हैं, आप इसका स्प्राउट भी इसे कर सकते हैं। अंकुरित करने के लिए भी आप चनों को 24 घंटे के लिए पानी में भिगाएं, निकाल कर छन्नी के ऊपर रखें। दूसरे दिन ही चने में अंकुरण फूट जाते हैं और जो स्प्राउटेड चना होता है दोस्तों, वो और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है, पौष्टिक होता है प्लेन चने से। शाकाहारी खाने में चने को एक पौष्टिक आहार माना गया है। अंडे नॉनवेज से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है पानी में भिगे हुए चने का सेवन। प्रोटीन से भरपूर होता है। जो लोग बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं, वजन को घटाना चाहते हैं, एक मुट्ठी पानी में भिगा हुआ चना ज़रूर खाएं दोस्तों, क्योंकि इसे खाने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है। दिन में जब टाइम है आप इसे खा सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। देखिए, मैंने चने को यहाँ अंकुरित करके रखा है और अंकुरित करने के बाद फिर से एक बार पानी से धो लीजिए और फिर आप इसका सेवन करें। एक मुट्ठी अंकुरित चने को कच्चा भी खा सकते हैं, ऐसे ही चबा चबा कर खा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा स्टीम दे दें, थोड़ा सा भाप में पका लें, कुकर में एक सीटी लगा लें ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। कई लोगों को कच्ची चीज़ें हज़म नहीं होती हैं, वे इसे हल्का सा पका कर खा सकते हैं। वैसे सही तरीका यही है, एक मुट्ठी, ज़्यादा नहीं खाया जाता कच्चा। ज़्यादा खाएंगे ना तो लूज़ मोशन हो जाएगा। एक मुट्ठी बस खाइए, मतलब 10 से 15 चने, अंकुरित किए हुए चने को चबा चबा कर खाइए। आप चाहें तो चने के साथ थोड़ा सा टुकड़ा गुड़ का ले सकते हैं। जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, गठिया आर्थराइटिस की परेशानी है, इस अंकुरित चने को खाना शुरू करें। चने की सब्ज़ी खा सकते हैं, कई रूपों में खाया जाता है। हम लोग सलाद बनाते हैं, सैलेड, उसमें हम लोग अंकुरित चना डालते हैं, उबला हुआ चना डालते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। कच्चा खाएं, पका कर खाएं, अंकुरित करके खाएं, उबला हुआ खाएं, परंतु खाना जरूर शुरू करें। इसमें इतना प्रोटीन होता है, इसमें कैल्शियम होने के कारण हड्डियों के दर्द से राहत दिलाता है। कैल्शियम, मैग्नीज, आयरन होता है इसमें भरपूर मात्रा में। चने में पोटेशियम होता है, पोटेशियम होने के कारण ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जो बीपी के पेशेंट हैं उन्हें भी एक मुट्ठी चना ज़रूर खाना चाहिए। इसमें कॉपर होता है, जिंक होता है, मिनरल होता है दोस्तों, और फाइबर से भरपूर होने के कारण कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे पेट को अच्छा रखता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उन्हें भी नाश्ते में चने का सेवन ज़रूर करना चाहिए। आप चाहें तो रोज़ चने को थोड़ा सा पका लीजिए ताकि आपको कच्चा का ऐसा ना रहे कि हजम नहीं हुआ है, और फिर खाइए। मधुमेह के जो रोगी हैं उनके लिए भी चने का सेवन बहुत फ़ायदेमंद है। जब ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा तब तो बहुत फ़ायदेमंद है। हार्ट पेशेंट को भी खाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है चने का सेवन। कभी कभी आप चाहें तो एक मुट्ठी मूंगफली भी खा सकते हैं, पानी में भिगी हुई, पानी में भिगा हुआ चना, पानी में भिगी हुई मूंगफली। ये चीज़ें और ज़्यादा पौष्टिक हो जाती हैं, 10 गुना ज़्यादा इसमें पोषक तत्वों की बढ़ोतरी हो जाती है जब हम इसे पानी में भिगा कर खाते हैं। हाई प्रोटीन होता है दोस्तों और दिल के रोगी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से आप इसका सेवन जरूर करें। जैसा आपको पसंद है, अंकुरित चना पसंद है, अंकुरित करें। और जो बाज़ार में चने मिलते हैं ना, फूटे हुए सिके हुए चने दोस्तों, तो फूटे हुए चने को बनाने के लिए आपको चने को भूनना पड़ता है। इसे भूनने के लिए आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नमक डाल दीजिए थोड़ा ज़्यादा और नमक में इसे भून लीजिए। आप देखेंगे कि चने फूट जाएंगे, उसके नमक को आप छान कर काम में ले सकते हैं। तो मैं कई बार इसी तरह से घर पर ही ये फूटे हुए चने बनाती हूँ। यदि आप कमेंट करेंगे कि हमें घर पर सिके हुए फूटे हुए चने का वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए वीडियो बनाकर बताऊंगी। ये है फूटा हुआ सिका हुआ चना, इसे मैंने नमक पर डालकर ही सेका है। इसके छिलके फट जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है ये नमकीन सा चना। तो कभी शाम को भूख लगती है ना, तो नाश्ते में एक मुट्ठी चने का सेवन जरूर करें, ये इतना फ़ायदेमंद होता है दोस्तों।
जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे भी जरूर लेना चाहिए, माँ और बच्चे के विकास के लिए बहुत फायदेमंद होता है। गुड़ चने का सेवन करें, ऊपर से चाहें तो एक गिलास आप दूध पी सकते हैं। चने का सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो बहुत सी बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाती है, यानी कि हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। तो क्या है दोस्तों, आप इस तरह से फूटा हुआ चना खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कच्चा चना या बहुत ज़्यादा अंकुरित चना सबको सूट नहीं करता है, इसलिए सिके हुए भुने हुए चने को खाएं। छिलके सहित ही चने का सेवन करना है, ऐसा नहीं कि छिलके उतरा हुआ चना आप लोग खाने लगे। छिलके में ढेर सारे विटामिन और मिनरल होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो गुड़ चना खा लीजिए, ऊपर से एक गिलास आप दूध पी सकते हैं। सुबह के नाश्ते में आप चाहे तो इसे ले सकते हैं। शाम के समय ऑफिस से आने के बाद जब भूख लगती है, गुड़ चना और दूध का सेवन करें। हाँ, जो डायबिटिक पेशेंट हैं उन्हें गुड़ बिल्कुल भी नहीं डालना है, दूध को भी मीठा नहीं करना, बाकी लोग गुड़ ले सकते हैं। अंकुरित चने को बहुत ज़्यादा दिन नहीं रखना है, जैसे मैंने इसे आज अंकुरित किया, बस दूसरे दिन दो दिन से ज़्यादा आप फ्रीज में ना रखें, क्योंकि अंकुरित चने जो होता है जल्दी बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं जब चना अंकुरित हो जाता है। तो ज़्यादा दिन आपको इसे ग्रो नहीं करना है, मतलब ज़्यादा दिन रखना नहीं है, दो दिन के अंदर अंकुरित चना, और बाकी दूसरे दिन आप फिर से चने को अंकुरित करने रख सकते हैं या ऐसे ही उबाल कर खा सकते हैं। तो जो हार्ट पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, इस चीज़ को ज़रूर खाएं, इस चने को ज़रूर खाएं। वज़न भी घटता है, लंबे समय तक पेट भरा रहता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, दिल की बीमारी के खतरे को टालता है चने का सेवन, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करता है, हमारे हाजमे को दुरुस्त करता है, और जब हमारा डाइजेशन अच्छा होता है ना दोस्तों, तो कई बीमारियां हमारे शरीर से अपने आप ही दूर हो जाती हैं। इसलिए हमारे पेट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। चना खाने से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, हमारा जो डाइजेशन है, हाजमा है, वो दुरुस्त होता है। सभी खाएं, बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें। चने का सेवन करने से हमारे आँखों की रोशनी बढ़ती है, अगर चश्मा लगा है ना तो चश्मा भी उतर जाएगा, इसलिए इसे अपने डाइट में जरूर शामिल करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।